हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि होंडा ने अपनी मिडसाइज एसयूवी एलिवेट को हाल ही में लॉन्च किया था एंड इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। एंड इस गाड़ी के लॉन्च होने के महज 100 दिन में ही 20,000 यूनिट्स सेल हो चुकी हैं। लेकिन इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में इस गाड़ी के काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनमें से एक काफ़ी टफ कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है किया सेल्टोस, जिसका भी हाल ही में फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था। इन गाड़ियों में काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे ये दोनों ही मिड साइज एसयूवी हैं एंड दोनों की प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम है एंड इसीलिए इन दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन तो बनता है। बात तो सही है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे, जैसे इनके एक्सटीरियर, इंटीरियर, डायमेंशन, सेफ्टी, सब कुछ, एंड देखेंगे दोनों में से कौन सी बेहतर है एंड स्पेशली आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा कंपैरिजन पे चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के साथ। एलिवेट की लेंथ है 4312 mm, वहीं सेंटर्स की 4365 mm। एलिवेट की विड्थ है 1790 mm, वहीं सेंटर्स की 1800 mm। एलिवेट की हाइट है 1650 mm, वहीं सेल्टस की 1620 mm। एलिवेट में हमें 2650 mm का व्हीलबेस मिलता है, वहीं सेल्टस की बात करें तो सेल्टस में 2610 mm का। एंड एलिवेट में हमें 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं सेल्टस में 190 mm का। इसके बाद बूट स्पेस की बात करें तो एलिवेट में हमें 459 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, वहीं दूसरी तरफ सेल्टस में 433 लीटर्स का। सो लेंथ में सेल्टस थोड़ी बड़ी है एलिवेट से, जहाँ पर विड्थ एंड हाइट में बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है, जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। बट होंडा एलिवेट में या सेल्टस के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा व्हील बेस मिलता है, जिसके कारण रियर सीट में एलिवेट में आपको स्लाइटली बेहतर स्पेस मिलेगा। एंड एलिवेट का ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी कई सारे टफ कंडीशंस में यूज़फुल होगा। तो अब बात करते हैं गाड़ी की जान यानी कि इंजन के बारे में। तो दोस्तों, हमें यह सेल्टस में टर्बो पेट्रोल, पेट्रोल एंड डीजल तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिवेट की बात करें तो वो केवल पेट्रोल में अवेलेबल है। एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको टर्बो पेट्रोल या फिर डीजल की गाड़ी चाहिए तो आपको एलिवेट का ख्याल छोड़ना पड़ेगा। एंड इसी वजह से कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए अब हम इन दोनों गाड़ियों की 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन्स को ही कंपेयर करेंगे। क्या बढ़िया था गुरु। होंडा एलिवेट में आता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 121 हॉर्स पावर एंड 145 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं दूसरी तरफ किया सेल्टस में भी 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही आता है, जो 115 हॉर्स पावर एंड 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो दोनों के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन्स में तो एलिवेट का इंजन स्लाइटली बेहतर है, बट ये डिफरेंसेस बहुत ही माइनर हैं। एंड इन दोनों ही इंजन्स में मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलता है। अब इंजन्स की बात हो रही है तो माइलेज को कैसे भूल सकते हैं, जो कि काफ़ी बायर्स के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो होंडा एलिवेट की मैनुअल में क्लेम्ड माइलेज है 15.31 किलोमीटर पर लीटर एंड ऑटोमेटिक में 16.92 किलोमीटर पर लीटर। वहीं दूसरी तरफ सेल्टस की बात करें तो सेल्टस की मैनुअल में क्लेम्ड माइलेज है 17 किलोमीटर पर लीटर एंड ऑटोमेटिक में 70.7 किलोमीटर पर लीटर। तो माइलेज वाइज देखें तो दोनों ही गाड़ियाँ लगभग सेम हैं, बट सेल्टस आपको एक दो पॉइंट से ज़्यादा का माइलेज दे सकती है, बाकी वो आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, जो जैसा चलाएगा वैसा माइलेज पाएगा। क्या बात है सर। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर की। तो पहले एक्सटीरियर यानी लुक्स की बात करें तो आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, या आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको दोनों में से किसकी लुक्स बेहतर लगी। तो अब चलते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में। पहले इंटीरियर में उन फीचर्स की बात करते हैं जो आपको एलिवेट में मिलते हैं, लेकिन सेल्टस की नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट में नहीं। तो होंडा एलिवेट में हमें 8 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसमें 4 ट्विटर एंड 4 स्पीकर शामिल हैं, जो सेल्टस में
6 स्पीकर का ही मिलता है जिसमें 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर शामिल हैं। एलिवेट में हमें वायरलेस 4-in चार्जर मिलता है जो कि सेल्टस में हम पे तो आई नो। एलिवेट में हमें एडप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है जहाँ पर सेल्टस में नॉर्मल वाला क्रूज कंट्रोल मिलता है। एंड एलिवेट में हमें लीन वॉच कैमरा मिलता है जो कि सेल्टस में हम पे तो आई नो। एलिवेट में हमें एडास के लेवल 2 फीचर्स मिलते हैं जो कि सेल्टस के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल व इंजन वाले वेरिएंट में नहीं मिलते। एंड एडास के लिए आपको सेल्टस के अपर वेरिएंट्स की तरफ जाना होगा। साथ ही एलिवेट में हमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है जो कि सेल्टस में वायर्ड मिलता है। तो ये थे कुछ फीचर्स जो आपको एलिवेट में ज़्यादा मिलते हैं सेल्टस के पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले। अब उन फीचर्स की बात करते हैं जो आपको सेल्टस के पेट्रोल वेरिएंट में ज़्यादा मिलते हैं एलिवेट के मुकाबले। तो सेल्टस में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आते हैं जो कि एलिवेट में हम पे तो आई नो। सेल्टस में ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जहाँ पर एलिवेट में ओनली फ्रंट व्हील में ही डिस्क ब्रेक मिलती है। सेल्टस में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो एलिवेट में सेमी डिजिटल मिलता है। सेल्टस में डबल पेन वाली पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जो कि एलिवेट में सिंगल पेन वाली सनरूफ ही मिलती है। एंड सेल्टस में ऑल 4 विंडोज 1 टच अप एंड डाउन मिलती हैं एंड एलिवेट में ओनली ड्राइवर्स आईडी 1 टच अप एंड डाउन विंडो मिलती है। सेल्टस में डुअल जोन ऑटोमेटिक एसी मिलता है जो कि एलिवेट में ऑटोमेटिक ही मिलता है। सेल्टस में 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं जो कि एलिवेट में 4 ही मिलते हैं। एंड सेल्टस में रियर विंडो सनसेट्स मिलते हैं जो एलिवेट में हम पे तो आई नो। तो ये थे कुछ फीचर्स जो आपको सेल्टस के पेट्रोल वेरिएंट में ज़्यादा मिलते हैं एलिवेट के मुकाबले। बाकी कॉमन फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही आपको 10.25 इंच टच स्क्रीन, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक एसी, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट्स, कनेक्टेड आर फीचर्स, 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स एंड एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स दोनों में ही कॉमन मिलते हैं। तो अब बात करते हैं एक और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी के बारे में। तो किया सेल्टस के फेसलिफ्ट में कोई भी प्लेटफॉर्म में चेंजेस नहीं किए गए हैं एंड न्यू सेल्टस भी ओल्ड सेल्टस की तरह ही 3-स्टार रेटेड ही है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। यहाँ पर एलिवेट का अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट्स नहीं हुआ है लेकिन एलिवेट होंडा सिटी के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करती है एंड होंडा सिटी को एशियन एनकैप में 5 out of 5 stars मिले हुए हैं। तो हम इतना तो कह ही सकते हैं कि एलिवेट का स्ट्रक्चर किया सेल्टस से सेफ होगा। बात तो सही है। बट किया सेल्टस की सारी ही वेरिएंट्स में 6 airbags स्टैंडर्ड मिलते हैं। यहाँ पर एलिवेट में हायर वेरियंट्स में ही 6 airbags मिलते हैं एंड इसके अलावा दोनों ही कार्स में ABS, EBD, ESP, डुअल एयरबैग्स, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड असिस्ट, ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड TPMS जैसे सेफ्टी फीचर्स दोनों में ही कॉमन मिलते हैं। बट ओवरऑल सेफ्टी में यहाँ पर एलिवेट बेहतर होगी बिकॉज एलिवेट का स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत है कंपेयर टू किया सेल्टस। तो दोस्तों हमने सक्सेसफुली इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर लिया है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। तो देखो अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी, ज़्यादा रिलायबिलिटी, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, ज़्यादा कैबिन स्पेस एंड बूट स्पेस एंड थोड़ी न्यू लुक्स चाहिए तो आप एलिवेट की तरफ जा सकते हो। तेरे पास कोई और रास्ता है? वहीं दूसरी तरफ अगर आपको ज़्यादा पावर,
एडास के साथ 360 डिग्री कैमरा एंड वेंटिलेटेड सीट्स जैसे एडवांस फीचर्स एंड या तो आपको सेल्टस की लुक्स कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है तो फिर आप सेल्टस के अपर वेरिएंट्स की तरफ जा सकते हो। मस्त प्लान है। एंड आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप इन दोनों में से कौन सी प्रेफर करोगे। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।